हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका साथी डॉक्टर त्रिपाठी नया वीडियो फंक्शन पे, सेकंड पार्ट फंक्शन का। होप कि आपने फर्स्ट पार्ट फंक्शन का पसंद किया होगा, देखा होगा, समझा होगा। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें फंक्शन का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है उस पर डिस्कशन है। आज जो फंक्शन का काम है उसमें हम फंक्शन पहले से डिफाइंड होगा और उस पर हम वैल्यूज रख रख के देखेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो जेई की एग्ज़ाम्स में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दे दिया आपको कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज एफ ऑफ टेन थीटा। तो एफ ऑफ टेन थीटा के लिए आप इसमें 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये इस फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। तो आपका आउटकम दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? साइन 2 थीटा। दूसरा एक मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दिया कि 2 times एफ ऑफ एक्स प्लस 3 times एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स एंड व्हाट इज एफ ऑफ 2। ये दो वैल्यूज आपको फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू फाइंड करना है और एफ ऑफ 2 की भी वैल्यू फाइंड करना है। तो ये कैसे निकालना है? अब ये फंक्शन आपको जो दिया हुआ है, ये फंक्शन जो दिया हुआ है इससे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से सुनिए आप, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले ये जो गिवन है इसको दे दें नंबर वन। इसको गिवन को क्या दे दिया आपने? गिवन को नंबर वन दे दिया। अब आप एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट करें? एक्स की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे 1/x। तो जैसे ही एक्स की जगह 1/x सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये पहली चीज़ क्या बन जाएगी? बन जाएगी 2 times एफ ऑफ 1/x। तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा 2 times एफ ऑफ 1/x। जो यहाँ आएगा वो यहाँ लिख दिया, और x की जगह 1/x रखने से जो यहाँ आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, वो यहाँ लिख दिया। ये वाली चीज़ को यहाँ लिख दिया, ये वाली चीज़ को यहाँ लिख दिया। तो ये आपका काम बन गया, ये आपका 3 times एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या रखना है आपको? 1/x। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें हम? इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और इसको अगर इक्वेशन 2 मानते हैं और हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का फंडा लगाओ। साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करते हैं अपन? इसको गायब कर सकते हैं। तो इसको गायब करने के लिए क्या करना होगा हमें? तो इसको गायब करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? ध्यान से सुनिए, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से और माइनस कर दें। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस करना है आप, ध्यान से सुने, 2 2 4 fx, 4 fx में से 3 3 9 fx गए माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा -5 f(x). और दूसरी बात है, ये हो जाएगा 2 3 6 f(1/x), ये भी हो जाएगा 3 2 6 f(1/x). तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा? तो यहाँ देखिए 2 x है और ये है 3 x, तो 2x में से जब ये 3x माइनस होगा तो ये -x आ जाएगा, और 2 1/x यानी 2/x, 2/x में से जब ये 3/x माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपके पास -1/x। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया? -1/5, 5 को उधर भेज दिया और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपके पास x+1/x। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया दोस्तों आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। क्या है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू? देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है आपके पास 1/5 x+1/x, और आपको निकालना है एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? तो 1/5 2+1/2, तो 2+1/2 क्या हो जाएगा आपका? 2+1/2 हो जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा 1/5 × 5/2। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया?
आपका आंसर आ गया दोस्तों 1/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपको होपफुली पसंद आया होगा। मैं आपको फिर बता दूं, x की जगह क्या रखा हमने, x की जगह 1/x रखा, उसको यहाँ लिखा, यहाँ पे जो रखा उसको यहाँ लिखा, इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन, जैसे क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन वाली, तो एलिमिनेशन से मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 6 टाइम्स एफ ऑफ 1/x है, इसको 3 से किया, 6 टाइम्स एफ ऑफ 1/x, इसमें से इसको माइनस कर दिया और आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। और आपको एफ ऑफ 2 निकालना है, तो x की जगह क्या डाल दिया दोस्तों हमने, 2 डाल दिया। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2 की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब अगर आपके पास, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यहां पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू है आपके पास, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ध्यान से सुनिए, अगर यहां पे x लिखा है तो यहां भी x आ जाएगा, यहां भी x आ जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो यहां भी x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आ जाएगा, यहां भी एक आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यहां भी आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 2x, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2, ये आपके पास आ गया। तो दोस्तों ये क्या वैल्यू आ गई आपके पास, तो इसका मतलब है आपके पास कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, x आएगी। इस तरह का मैं एक क्वेश्चन आपको भी देता हूं जो आप सेल्फ ट्राई करना, और उसमें 2 की जगह 3 लगाने पड़ेंगे आपको, तो वो है आपके पास एफ ऑफ एक्स, ये लगाएं, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया रहेगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आप क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करना, बिल्कुल इसी मेथड का क्वेश्चन है जिसको आप बहुत आसानी से ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे, आपको साथ बने रहना है, समझते जाना है, और सारे क्वेश्चंस जो मैं ले रहा हूँ ये JEE में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है आपके पास ए माइनस एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर 1 अपॉन एन, और आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, आप ध्यान से सुने, एफ ऑफ एक्स क्या चीज है आपका, तो एफ ऑफ एक्स ये चीज ए माइनस एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर 1 अपॉन एन। अब आप बात को पकड़ो, देखो ध्यान से, यहां x लिखा है तो यहां भी क्या लिखा है, x लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ रहेगा। फिर से समझो आप, अगर मान लीजिए कि यहां पे लिखा है डेली लिखा है, तो यहां डेली कहां पे आ गया है, यहां पर डेली आ गया है ना, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो ये अब आपका ये कौन बन गया, ये जो चीज है ये समझ लीजिए कि ये डेली बन गई, तो ये डेली बन गया, तो डेली बन गया तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, ये डेली बन गया तो क्या आएगा, यहां पे ए आएगा। देखो फिर से देखो आप, ये क्या लिखा है एफ, और ये क्या लिखा है, मान लीजिए डेली लिखा हुआ है, तो डेली लिखा हुआ है तो यहाँ पे आएगा ए माइनस डेली, तो डेली क्या चीज़ है आपकी, आपकी डेली है ये ए माइनस एक्स टू द पावर एन टू द पावर 1 अपॉन एन। ध्यान देख लो, ये पर यहाँ पर आ जाएगा डेली, फिर उसके ऊपर पावर कितनी है एन, तो पावर एन आएगा, फिर उसके ऊपर पावर कितनी है 1 अपॉन एन, तो वो भी आएगा। आप ध्यान से देखें, कैलकुलेशन करेंगे, ए माइनस एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर, ये मल्टीप्लाई होगा एन अपॉन एन, तो एन से एन कैंसिल हो जाता है,
और होल टू द पावर कितना है, 1 अपॉन एन। अब देखिए ए माइनस ये, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा ए माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर 1 अपॉन एन। ए से ए कैंसिल, एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर 1 अपॉन एन, तो ये एन से एन भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर दोस्तों क्या आ गया इसका, एक्स आ गया। तो ये फिफ्थ है। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेंगे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, नन ऑफ दिस, इस तरह से। तो आपका आंसर क्या आ गया, एक्स आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर आपका एक्स आ चुका है। अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स अगर देखें अपन, तो उसमें पूछा है आपके पास कि व्हाट इज, अब मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव बना देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज एफ ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। चार आंसर दे दिया आपको, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए में क्या दे दिया आपको, ट्वाइस एफ ऑफ एक्स, इसमें दे दिया आपको एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और दे दिया नन ऑफ दिस। अब आपको इसमें से चूज करना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल आसान है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करते चलेंगे, आपका आंसर आएगा। दोस्तों अगला जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में रेंज का डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर से कर दें, ताकि आपको अगले अपडेट्स मिलते रहें। अब देखिए ध्यान से, एफ ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो जैसे मैंने वहां बताया था कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये मान लीजिए डेली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी डेली आ जाएगा, यहाँ पे भी डेली आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वन माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको बोल रहे हैं ना हम, इसको डेली इसको बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये इंदौर लिखा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस इंदौर अपॉन वन प्लस इंदौर, अगर यहाँ लिखा है इंडिया तो वन माइनस इंडिया अपॉन वन प्लस इंडिया, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, इसको एलसीएम ले लें, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, नीचे भी ले लें वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, नीचे वाला कैंसिल हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ ये कितना बन जाएगा आपका वन माइनस एक्स होल स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा आपका वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। पूरे को ऐसा लिख सकते हैं टाइम बचाते हुए, ये पावर को यहाँ ला सकते हैं तो पावर यहाँ आ जाएगी आपकी, क्या बन जाएगा ये टू लॉग वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, तो ये क्या बन गया आपका ट्वाइस एफ ऑफ एक्स। तो कौन सा आंसर आपका सही हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज व्हाट, ए इज द करेक्ट आंसर, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करें, खुद करें, मुझे बताएं, मेरा नॉलेज बढ़ाएं, आप अपना नॉलेज बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ गए हैं दोस्तों, और आज जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं दे आर द बेस्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, दोज विच हैव बीन आस्क्ड इन आईआईटी जेईई एग्जामिनेशंस, ओनली दोज क्वेश्चन आर बीइंग डिस्कस्ड, बाकी यूजलेस क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। पर हाँ, लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको नॉलेज भी होगा। अगर आपको ना तो नॉलेज है ना कॉन्फिडेंस है तो फिर आपका सब काम गड़बड़। तो दोनों चीज़ें धीरे 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 चलनी चाहिए, और देखिए कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एफ ऑफ एक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और आपसे पूछते हैं वी वैल्यू निकालना है आपको एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको अच्छा भी लगेगा इसको करने में। फिर मैं आपको ये दोनों पेजेस इसके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें मैंने केवल क्वेश्चंस लिखे हैं और इसमें भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, और ये क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर देखो क्या क्या होने वाला है, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई माइनस वन बाय टू। अब ये लॉग के बेस में मत पढ़ें कि लॉग का बेस ई है कि बेस टेन है कि बेस ए है, बेस कुछ भी होगा आंसर वैसे ही आएगा, कॉस ऑफ
कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाय वाई प्लस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा निश्चित तौर पे, तो कुछ सिंप्लीफिकेशन कहाँ हो सकता है, क्या पहले वाले पार्ट में हो सकता है? तो देखो आप, पहले वाले पार्ट में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई, इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन है, इट इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड। तो ये हो जाएगा आपका कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई माइनस वन बाय टू। अब यहाँ ब्रैकेट, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। और दूसरा वाला हो जाएगा, इसमें भी लगेगी प्रॉपर्टी, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। अब आप एक काम करें, बार बार log x log y लिखने में अगर आपको दिक्कत आती है तो log x को कैपिटल A मान लो और log y को क्या मान लो आप, कैपिटल B मान लो। तो ये हो जाएगा आपका cos A cos B माइनस वन बाय टू। तो इससे आपको पिक्चर भी क्लियर होगी, cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B। ये तो समझाने के लिए, जिसको समझ में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट करो। तो माइनस, अगर आपको ये याद है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी टू कॉस ए कॉस बी होता है, तो फिर आप लगा दो। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फिर ऐसा लिख दो, आपको याद होगा, आपका समय बचेगा। ये कॉस ए माइनस बी का है, ये वाला किसका है, कॉस ए कॉस बी। जिनको प्रॉब्लम हो फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री के, तो मैंने एक 30 मिनट्स का वीडियो बनाया है जिसमें केवल फॉर्मूले ही फॉर्मूले डिराइव करना सिखाए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक बार उसको देख लेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे। ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस वन बाय टू टू कॉस ए कॉस बी। ऑब्जेक्टिव नहीं लिख रहा मैं, आप ये आ गया जीरो, तो ये जीरो आ गया तो फिर एक्स और ए, उसकी कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू रखने का मतलब ही नहीं है। आपका आंसर क्या हो गया इस केस में दोस्तों, इस केस में आपका आंसर जीरो हो गया, इस केस में आपका आंसर जीरो हो गया। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं एक आपको क्वेश्चन कहता हूँ इसी टाइप का, आप भी प्रैक्टिस करना और आप मुझे लिख भेजना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इस पे देना या कमेंट बॉक्स पे लिखना चाहते हैं वो लिखें, लेकिन करके देखिए आप। ये साइन लॉग एक्स का दे दिया मैंने आपको, और एफ ऑफ एक्स क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस आपसे पूछा है वन बाय टू एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स बाय वाई, क्या वैल्यू होगी आप तो वो बताना, आप ये मत सोचना कि क्या हो, जीरो क्यों हो, है ना। आप तो जो आंसर आएगा आप आंसर बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में अपनी लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दे, व्हाट्सअप करना चाहते हैं व्हाट्सअप कर दे, मेरी बेस्ट विशेष है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको असाइन किया, क्योंकि असाइन भी करना ज़रूरी चीज़ है, अगर असाइन नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। अब दोस्तों देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें मैं ऑब्जेक्टिव लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। और क्वेश्चन में चार ऑप्शंस हैं आपके पास, तो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो फॉर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों लेस और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स कोई भी रियल नंबर हो सबके लिए यही होगा, ये नोटेशन आपको क्लियर होगा पिछले वीडियो में। सी से सी ऑप्शन है ग्रेटर और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। डी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए दोस्तों, आपको क्या समझ में आया, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ चाहते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। केवल मदद ही ऑब्जेक्टिव है इसका, केवल मदद ही ऑब्जेक्टिव है। अब आपका क्वेश्चन, हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम नाइन्थ क्वेश्चन को, तो अब आप बहुत कुछ तो देखो आपके दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन लिखते हैं वैसे ही सेंस हो जाता है बच्चों को, इसे यहाँ साइन सी प्लस साइन डी जैसी चीज लगाना पड़ेगी।
तो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी जैसी चीज लगा दी तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स टू साइन एक्स प्लस थ्री एक्स बाय टू कॉस एक्स माइनस थ्री एक्स बाय टू। फॉर्मूले की दिक्कत तो 30 मिनट्स का वीडियो जरूर देखना, आपको मिले नहीं तो मुझे बताना कि सर वो वीडियो मुझे हमें बता दो। ये देखिए साइन एक्स प्लस थ्री एक्स क्या हो जाएगा आपका साइन टू फोर एक्स बाय टू, तो साइन टू एक्स ये हो जाएगा आपका कॉस माइनस एक्स। कैलकुलेट कर लें आप टू साइन एक्स और इसको यहाँ पे ले आए आप तो ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन टू एक्स। क्यों कॉस एक्स हो जाएगा आपको मालूम है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज वॉट, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, मालूम है आपको, सब जानते हो आप, आपके अंदर मैथ से। ये क्या बन गया आपका साइन टू एक्स, ये क्या है साइन टू एक्स, क्या बन गया दोस्तों साइन स्क्वायर टू एक्स, साइन स्क्वायर टू एक्स है। अब ये बींग स्क्वायर, बींग स्क्वायर ये हमेशा क्या होगा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है ना, और एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, एक्स की वैल्यू कोई भी रख ले, क्योंकि साइन एक्स का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डोमेन और उनसे उनके रेंज भी डिस्कस करने वाले हैं हम अगले वीडियो में, तो आप जरूर से देखिए। डोमेन हमने कल डिस्कस किए, वो पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, वो सारे वीडियोस जो जो आपको देखने हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके देख सकते हैं। तो डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स में क्या रख सकते हैं, तो साइन एक्स में ऑल रियल नंबर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसके लिए भी सही है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है विच कवर्स ऑल द पॉइंट्स जिसमें सारी बातें आ जाती हैं, तो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड सी इज द मोस्ट एक्यूरेट, सी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप देखिएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है ए टू द पावर एक्स और इसमें लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एफ वन एक्स प्लस एफ टू वाई। एफ वन जो है वो इवन फंक्शन है, ये कौन है ये इवन फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, और आपको बताना है कि एफ वन एक्स प्लस वाई प्लस एफ टू एक्स माइनस वाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं चारों ऑब्जेक्टिव्स लिखता हूँ आपके पास, क्या इसकी वैल्यू होगी एफ वन एक्स इंटू एफ वन एफ टू वाई, या इसकी वैल्यू होगी एफ ट्वाइस एफ वन एक्स एफ टू वाई, या फिर इसकी वैल्यू होगी एफ वन वन बाय एक्स एफ टू वन बाय वाई, या इसकी वैल्यू होगी नन ऑफ दीस, नॉट नन ऑफ दीस नॉट। तो दोस्तों अब आपके पास ये एक छोटी सी परेशानी है कि पहले आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, तो मैं आपको बताऊं इवन फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं। इवन फंक्शन आर दोज फंक्शन जिसमें फाई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है फाई ऑफ एक्स। मैं इसमें भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ऑड फंक्शन कौन से होते हैं जिसमें फाई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ एक्स होता है, तो इसको इवन बोलते हैं और इसको ऑड बोलते हैं। इवन और ऑड, इवन में फाई ऑफ माइनस एक्स क्या होगा फाई ऑफ एक्स। अच्छा इसका एग्जाम्पल दे दें क्या तो आपको दिमाग में चलेगा एग्जाम्पल, इसका सबसे सस्ता एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास ये फाई ऑफ एक्स है, मान लो ये फाई ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर है, तो आप इसमें माइनस एक्स डाल दो, जब यहाँ माइनस एक्स डालोगे तो यहाँ भी माइनस डालोगे, तो वापस से आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है दोस्तों। कॉस ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। एक्स एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन ये कैसा फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है।
आपके पास और इवन फंक्शन कौन सा है? तो और भी इवन फंक्शन है, पर ये वाला जो फंक्शन है ये ध्यान से सुनो, एक इवन हो और एक ऑड हो, दोनों हो, एक इवन भी हो और एक ऑड हो। ऑड कैसे? इसमें एक्स की पावर ऑड है ना, ये ऑड होगा। जैसे इसमें ऑड के पहले लिख देता हूँ मैं एग्जांपल, ऑड के एग्जांपल में एक्स है, एक्स क्यूब है, साइन एक्स है, एक्स क्यूब प्लस एक्स है। कॉन्स्टेंट कौन होता है? कॉन्स्टेंट कैसा फंक्शन होता है? कॉन्स्टेंट इवन फंक्शन होता है कि ऑड फंक्शन होता है? तो कॉन्स्टेंट इवन फंक्शन होता है। कॉन्स्टेंट कैसा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन। जैसे आपके पास लिखा हुआ है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, तो फाई ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? फाई ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? तो फाई ऑफ माइनस एक्स भी के हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया? फाई ऑफ एक्स हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? कांस्टेंट फंक्शन भी एक इवन फंक्शन होता है। पर ध्यान से सुने, एक इवन है और एक ऑड है। जैसे एक्स स्क्वायर है, ये कैसा फंक्शन है? टेन एक्स कैसा फंक्शन है? टेन एक्स भी एक ऑड फंक्शन है ना। तो एक्स स्क्वायर कैसा है? टेन ऑफ माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या लिख दिया मैंने? टेन एक्स लिख दिया। अब ये कैसा फंक्शन है? तो ये इवन है और वो ऑड है, तो इवन प्लस ऑड का कंपोजिशन है, तो वो पता नहीं क्या है, आप उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करें। ना तो ये इवन है ना ये ऑड है। ये सारे फंक्शंस जो थे, ध्यान से सुन लें आप, ये सारे फंक्शन हमने इवन और ऑड के कैटेगराइज किए। आप चाहें तो इसमें चेक भी कर सकते हैं। जैसे फाई ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस, इस वाले को देखिए आप, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा है? एक्स क्यूब प्लस एक्स लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? फाई ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स होल क्यूब प्लस माइनस ऑफ एक्स। अब इसमें से माइनस और इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? एक्स क्यूब प्लस एक्स। ये क्या बन जाएगा आपका? माइनस फाई ऑफ एक्स। ये आपका माइनस फाई ऑफ एक्स बन जाएगा। तो ये आपका कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। अब मैं आपको और ऑड के बारे में बताता हूँ, ये मैं रब कर देता हूँ, फिर अपन इसको देखते हैं इत्मीनान से। ऑड और इवन और थोड़े से समझा देता हूँ मैं। तो ऑड का एक बहुत अच्छा सवाल है कि ये ऑड क्वेश्चन है, तो मैं सॉरी ऑड फंक्शन है, तो ऑड के लिए एक और तरीका है आपके पास, ऑड स्पेशली ऑड के लिए। ऑड के लिए क्या लिखा था मैंने? फाई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है? माइनस फाई ऑफ एक्स है। तो जब आप इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा फाई ऑफ माइनस एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इवन के लिए भी ऐसा ही तरीका है। क्या तरीका है? तो ये तरीका जब आप वो समझ गए हो, तो फिर ये तरीका मैं क्यों जानबूझ के समझा रहा हूँ? तो देखो मैं आपको एक कारण बताता हूँ। ये हो गया माइनस फाइव ऑफ एक्स, सॉरी इधर लाएंगे तो माइनस फाइव ऑफ एक्स, तब ये जीरो होगा। तो फाइव ऑफ माइनस एक्स प्लस फाइव ऑफ एक्स जीरो होगा, और इसमें फाइव ऑफ माइनस एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स जीरो होगा। तो मैं आप एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते भी हैं इसको कि ये कैसा फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें फाइव ऑफ माइनस एक्स रखना है। तो फाइव ऑफ माइनस एक्स रखेंगे जैसे ही, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें क्या करें आप, लॉग इसको पहले लिख दें अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये माइनस एक्स। अब इसमें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब तो कुछ गड़बड़ सी हो गई ये बात, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इन दोनों को ऐड कर दो। एक बार ऐड कर देंगे, फिर एक बार ऐड करने में काम नहीं बनेगा तो सब ट्रैक कर देंगे। तो अपन ऐड कर देते हैं इसको, फाइव ऑफ एक्स प्लस फाइव ऑफ माइनस एक्स, दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो इससे आपके कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ऐड कर देता हूं और फिर ये यहां पे लिखता हूं, जगह तो आपको मालूम ही, अपने पास कम रहती है। तो देखो ऐड करने में क्या आएगा, ऐड करने में क्या आएगा, तो वो लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग इनटू में आ जाएगा वो, तो ये क्या बन जाएगा आपका,
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। आप ये मत सोचो कि मॉड से पूरा ये प्लस हो जाए, मॉड से पूरा प्लस होता है, या तो पूरा प्लस होगा या पूरा माइनस होगा। तो इसको, इस माइनस को प्लस नहीं कर सकते मॉड्यूलस के कारण, एब्सोल्यूट वैल्यू के कारण। अगर ऐसा लिखा है ना यहाँ पे मॉड में ए माइनस बी लिखा है, तो आपके कई बच्चे सोचते हैं कि इसको ए प्लस बी क्यों नहीं लिख देते, तो ए प्लस बी नहीं लिख सकते इसको। या तो पहले, या तो क्या लिख सकते हैं इसको, पूरा प्लस लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, पूरा माइनस। और पूरा प्लस कब लिखेंगे, जब ए बी से बड़ा होगा, और जब ए बी से क्या होगा, छोटा होगा, तो पूरे पे माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर ए बी से छोटा हो गया, ए स्मॉलर देन बी है, तो ए मान लीजिए आपका टू है और बी कितना है आपका थ्री है, तो ए माइनस बी कितना होगा आपका, ए माइनस बी होगा टू माइनस थ्री, ये तो नेगेटिव हो गया। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें क्या लगा देंगे, एक माइनस लगा देंगे। तो जब आप माइनस लगाओगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये तब जाके प्लस बनेगा। तो पूरे पे प्लस लगेगा या पूरे पे माइनस लगेगा, आप ये मत सोचो कि इसको क्यों नहीं प्लस कर देते, इसको प्लस नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद पूरी करने की कोशिश करूंगा। ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया। लॉग वन क्या होता है आपको मालूम ही है, लॉग वन होता है ज़ीरो, लॉग वन फॉर एनी बेस इज ज़ीरो, तो लॉग वन फॉर एनी बेस इज ज़ीरो हो गया, तो फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया आपका, फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ माइनस एक्स कैसा फंक्शन हो गया आपका, ये कैसा फंक्शन हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो फाइ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया आपका, फाइ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन हो गया, कैसा फंक्शन हो गया आपका, ऑड फंक्शन हो गया। अगर ये इससे नहीं जीरो आता तो फिर अगली स्टेप क्या लगाना थी अपन को, अगली स्टेप लगाना थी माइनस की, तो माइनस यहाँ पे लगा देते और फिर देखते कि ऑड है कि इवन है, लेकिन उसकी अपने को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, फाइ ऑफ एक्स की जगह नया दे देता हूँ मैं साइ ऑफ एक्स, ये आप खुद से करना, और फिर खुद से करना, फिर मुझको लिख के भी भेजना, वन बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी आप करना, ये साय ऑफ एक्स है, साय ऑफ एक्स, बिल्कुल अच्छे से आप समझ लेना, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। और एक और मैं दे देता हूँ आपको, झाया ऑफ एक्स लॉग ऑफ, आपको दे दिया मैंने क्वेश्चन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो ये दो क्वेश्चन, ये मान लीजिए कि वो ए था, ये बी है और ये सी है, तो ये बी और सी, ये दोनों में आपको इवन और ऑड बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ दिस फंक्शन, इज इट एन इवन और एन ऑड, इसमें भी सेम चीज़ आपको डिसाइड करना है, इवन है या ऑड है, और जब आप बता दें तो फिर मुझे लिख के भेजें। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो, नीदर इवन नॉर ऑड, तो भी आप बता देना नीदर इवन नॉर ऑड, अगर कोई बात होगी फिर हम आपसे आपस में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आपको इवन और ऑड की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई है कि इवन और ऑड क्या चीज है, क्योंकि यहाँ इवन और ऑड का कंसेप्ट आया था, तो इट वॉज माई ड्यूटी टू क्लेरिफाई दिस थिंग। तो अब इवन और ऑड की बात आई है, तो ये एक इवन होना चाहिए और एक ऑड होना चाहिए, तो ध्यान से सुनो, अब ये वाला कंसेप्ट आप समझना, एफ ऑफ एक्स को लिखा ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स को लिखा वन बाय टू टू ए टू द पावर एक्स, वन बाय टू ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स, ऐसा लिखा। और मैं एक और बात बताऊं दोस्तों, कभी आपसे पूछे कि कोई ऐसा भी फंक्शन है क्या कि इवन भी है और ऑड भी है, तो इवन भी है और ऑड भी है, तो वो एक ऐसा फंक्शन होता है फाइ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसमें आपको देखो फाइ ऑफ एक्स प्लस फाइ ऑफ माइनस एक्स भी जीरो होने वाला है, और फाइ ऑफ एक्स माइनस फाइ ऑफ माइनस एक्स भी क्या होने वाला है, जीरो। तो ये इवन भी है और ये ऑड भी है,
इवन है और ये कैसा है, ऑड भी है। अब दूसरी बात है, अगर ऐसा पूछेंगे कि आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कैसा है, कांस्टेंट कैसा है, तो कांस्टेंट तो मैंने बता दिया इवन है, लेकिन कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, ठीक है, क्लियर है मेरी बात आपको, क्योंकि ये दोनों की डेफिनेशन में फिट बैठ जाता है, ठीक। और नंबर के लिए कैसा नंबर है, जीरो कैसा नंबर है आपका, तो ध्यान से सुनिए, जीरो कैसा नंबर है आपका, तो जीरो एक इवन नंबर है, नंबर में जीरो इज एन इवन नंबर, क्लियर। हाँ, अब आगे बढ़ो आप, तो ये आपका हो जाएगा वन बाय टू ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस वन बाय टू ए एक्स माइनस ए माइनस एक्स। ये वाला आप ऐसे करें, इसको एफ वन एक्स बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, इसको एफ टू एक्स बोल देते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन आप चिंता नहीं करें। अब अपन एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं ये इवन है कि वो इवन है, ये ऑड है कि वो ऑड है, तो फिर अपने पास एक ही तरीका है। एफ वन एक्स क्या चीज आ गया आपके पास, एफ वन एक्स आ गया वन बाय टू ए एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स प्लस ए माइनस एक्स। अब आप ऐसे ही उसको भी लिख लो एफ टू एक्स को, एफ टू एक्स क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। अब आपको इवन और ऑड वाली बात चेक करनी है, तो ठीक है फिर इसको रब करना पड़ेगा, अब अपनी मजबूरी आप जानते हो। अब इवन है ऑड है तो क्या करेंगे हम, तो बिल्कुल सिंपल काम है, एफ वन क्या करेंगे हम, माइनस एक्स, ए माइनस एक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा वन बाय टू ए माइनस एक्स ए टू द पावर प्लस एक्स। तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, ये क्या हो गया आपका, ये वही हो गया, क्या हो गया, एफ वन एक्स हो गया। तो इसका मतलब कौन है, एफ वन एक्स इज एन इवन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया, ये एक इवन फंक्शन हो गया। तो फिर एफ टू एक ऑड होगा क्या, ऑड होगा नहीं, निश्चित भी नहीं है, अपन चेक कर लेते हैं। तो एफ टू माइनस एक्स चेक करेंगे तभी होगा। अगर आपको इसको देख करके याद आ रहा हो तो मैट्रिक्स में यही चीज क्या होती थी, आप इसको देख करके सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा हमने कहीं देखा था, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था मैट्रिक्स में, नॉट हियर, और इसको बोलते थे स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, जिन्होंने ट्वेल्थ कर लिया हो या मैट्रिक्स को पढ़ लिया हो उनके लिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स से अभी इसका कोई लेना देना वैसे नहीं है, पर आपके दिमाग में आया होगा मुझे ऐसी उम्मीद है, तो मैंने आपको उस पॉइंट को आपके दिमाग के छू लिया कि हाँ मेरे बच्चों को ऐसी बात दिमाग में आई होगी। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स रख दिया, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो ओ सॉरी, और यहाँ बीच में क्या है, माइनस है। अब माइनस को आप बाहर निकाल लें तो ये आपका आ गया माइनस एफ ऑफ एफ टू एक्स। तो ये आपको दोस्तों एक तो इवन का और ऑड का कंसेप्ट भी मेरे ख्याल से सॉलिड हुआ कि इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या हुए, इसमें क्या हो गया, एफ वन कैसा फंक्शन है, एफ वन कैसा फंक्शन है, इवन है, और एफ टू कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। क्लियर है क्या मेरी बात आपको, ठीक है। तो फिर अप्रूव हो गई बात, क्या अप्रूव हो गई कि एफ वन एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो मैंने यहां लिखी थी, क्या थी एफ वन एक्स की वैल्यू आपको लिखी हुई है यहां पर, ये देखिए ये एफ वन एक्स की वैल्यू लिखी है, यही एफ वन एक्स की वैल्यू है, और ये एफ टू एक्स की वैल्यू है, ठीक है। कौन सी वैल्यू है एफ टू एक्स की, यहां से लेके यहां तक, या मैं वापस लिख दूं आपको, देखो चलो मैं लिख देता हूं, इसमें एफ वन और एफ टू की वैल्यू फिर से लिख देता हूं। एफ वन एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स अपॉन टू, ए टू द पावर एक्स है ना, ए एक्स मतलब ये ए टू द पावर एक्स, एफ टू एक्स ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। अब एफ वन एक्स प्लस वाई, तो एफ वन एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो अब मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन दिया ना इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू में यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए टू द पावर एक्स प्लस वाई ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस, यहाँ पे x माइनस वाई रखेंगे पर f2 में रखेंगे, इस वाले में रखेंगे, तो हो जाएगा a टू द पावर x माइनस वाई माइनस a टू द पावर माइनस x माइनस वाई अपॉन टू।
इज इक्वल टू, इसमें देखो 1/2 कॉमन आ रहा है, निकाल लो। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ इंडाइसेस से, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। लॉ ऑफ इंडाइसेस जो आपको मालूम है, लॉ ऑफ इंडाइसेस मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर ही है सब कुछ। ये लॉ ऑफ इंडाइसेस मतलब x टू द पावर m प्लस n को क्या बोल सकते हैं, ये वाली बात को मैं बोल रहा हूँ कि लॉ ऑफ इंडाइसेस। अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी देख रहे होंगे तो ये उनके लिए भी है, ये हिंदी इंग्लिश का तो कोई इशू ही नहीं है इसमें, ये तो सबको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस, यहां पे देखिए ध्यान से, ए टू द पावर माइनस एक्स और ये माइनस प्लस माइनस, ए टू द पावर माइनस वाई प्लस। इधर देखिए आप, यहां क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस वाई, यहां क्या हो जाएगा माइनस, ए टू द पावर माइनस एक्स, ए टू द पावर वाई ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में से ध्यान से देखें, इन दोनों में क्या आएगा कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा आपका, ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए टू द पावर माइनस एक्स, तो अंदर क्या बचेगा, ए टू द पावर माइनस वाई, और उसमें है आपके पास ए टू द पावर माइनस वाई और माइनस है उसमें ए टू द पावर माइनस वाई माइनस ए टू द पावर वाई, ए टू द पावर माइनस एक्स, ए टू द पावर माइनस वाई। ओके वेट वेट फॉर अ व्हाइल, ए टू द पावर वाई एफ वन एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन सेम है, एफ वन एक्स प्लस वाई एफ टू, एफ वन एक्स प्लस वाई। मैं एक बार क्वेश्चन भी क्लियर कर लेता हूं बुक में तो और अच्छा रहेगा। इवन ऑड वाला केस है, क्वेश्चन कहाँ चला गया, एफ वन एक्स प्लस वाई प्लस एफ वन एक्स प्लस वाई प्लस एफ वन एक्स प्लस वाई, और बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों एफ वन एक्स प्लस वाई प्लस एफ वन एक्स माइनस वाई, तो ये मेरे से गलती हो गई थी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि इसमें बुक में लिखा है एफ वन लिखा है, तो मैंने सोचा होगा कि यहाँ एफ वन है तो हियर इट शुड बी एफ टू, पर यहाँ पर कितना आया है एफ वन है, तो फिर एफ टू किस काम का, तो यू नीड नॉट टू वरी, यहाँ पर एफ वन है तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि अब कॉमन आ जाएगा आपका, तो 1/2 ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स, ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई। अब ये हो गया आपके पास, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ट्वाइस लिखा तो ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। ये किताब मैंने इसलिए रख रखी है दोस्तों कि कभी जिन जिन भी किताबों से मैं क्वेश्चंस लेता हूँ तो उनको साथ में सामने भी रख लेता हूँ कि कभी कोई परेशानी आई, कोई बात हुई तो हम उसको देख भी सकेंगे कि कहाँ कोई बात हुई। ये तो मैंने नोट किए हुए क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आर नोटेड ओनली, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर F1 है तो हियर इट शुड बी F2, जैसे दिमाग में चलता है, पर नहीं वहाँ F1 ही है। मैं सोच रहा था इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, इट शुड बी F1 ओनली। तो ये यहाँ पर आ गया दोस्तों, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये F1x और ये कितना हो जाएगा F2y। तो ये हो गया आपका सॉरी एफ वन एक्स, ये है कि ये आपके पास कौन सा है एफ वन एक्स है, ओके, और ये भी प्लस है तो इसमें कोई बात ही नहीं है, तो ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये एफ वन एक्स एफ वन वाई हो जाएगा। तो ये हो गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने देखा और एक्सपीरियंस भी किया होगा,
लिखने में करने में, क्योंकि मेरे सामने यहाँ कोई बैठा नहीं होता है तो छोटी मोटी परेशानी हो जाती है, तो नेवर माइंड दोज थिंग्स, क्योंकि जब इतना सब काम करते हैं तो कभी कभी कुछ बातें भी हो जाती हैं, तो इसका दिमाग आपको बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज हम बहुत ज़्यादा पीछे भी रह सकते हैं। तो अब ध्यान से सुने, अब आपको अगला क्वेश्चन है कि उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, पहले चलो पहले मैं उसको दे देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, होपफुली ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वन इज टू, क्या बोला है, एफ ऑफ वन इज टू, और ए की वैल्यू, और एक कंडीशन और है के इज इक्वल टू वन टू एन, एफ ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू 16 टू टू द पावर एन माइनस वन, और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ए की वैल्यू की, व्हाट इज ए, ए की वैल्यू निकालनी है आपको। तो मेरे दिमाग में एक और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया, तो मैं वो भी आपको इंटरप्ट करके बताता हूँ, क्योंकि वो और ये थोड़े मिलते जुलते ही क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स, तो ये दिया हुआ है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री दिया है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है इसको एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अगर आपने क्लास 11 पढ़ रखी हो और 12th में पढ़ रहे होंगे तो आपको याद भी आ रही होगी इसकी कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, और ये क्वेश्चन आपने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से लेके एन तक है। तो ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन है और इसमें एन की वैल्यू पूछते हैं कि व्हाट इज एन, इसमें एन की वैल्यू पूछते हैं, ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं 3, 4, 5, none। तो ये आगे आपका क्वेश्चन, तो देखिए आप सबसे पहले क्या लिखें, आप वे इसको भी और इसको भी दोनों एक ही जैसे, इसको ऊपर से डिस्कशन चालू कर देते हैं, आपकी याद भी ताज़ा हो जाएगी और आपको आगे भी समझ में आएगा। और अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा समझना हो तो आप मेरे सीक्वेंस सीरीज के वीडियो में देखें तो आपको इसका आंसर मिलेगा। देखिए आप एक्स की जगह पहले 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, और ये जो क्वेश्चन हमने फंक्शन में लिया तो ये फंक्शन की कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ लिया, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन नहीं है। सीक्वेंस सीरीज इसमें लगता है तो आपको मालूम हो जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, दे डोंट आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस, दे यूज टू आस्क इनडायरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इनडायरेक्ट मतलब घुमा के पूछा, इन्वर्टेड मतलब दो तीन चीज़ें मिक्स कर दी, जैसे एपी भी मिक्स कर देंगे, जीपी भी मिक्स कर देंगे, फंक्शन भी मिक्स कर देंगे, सीक्वेंस सीरीज भी मिक्स कर देंगे, और उसमें इंडाइसेस भी मिक्स कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ध्यान से देखें, हम जैसे यहाँ समेशन का रूल मालूम है, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और कहाँ तक, एन तक रखते जाएंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। F1 का, F1 तो मालूम है आपको, F2 को कैसा लिख सकते हैं आप, 1 प्लस 1, F1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना है, 120 है। F1 की वैल्यू कितनी है आपकी, ध्यान से देखो, तो अभी अपनी रहने देते हैं, F1 को F1 ही लिख रहने दो, F1 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं आप, F1 इंटू F1। अब इसको एक काम करो, इसको A मान लो और इसको B मान लो, या इसको X मान लो और इसको Y मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स कौन, एफ ऑफ वन प्लस वन। तो एफ ऑफ वन प्लस वन को तो देखो आपने क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन, तो फिर ये एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन और टूट जाएगा, ऐसे करते करते ये 120 हो जाएगा। फिर से समझ लें आप, ऐसे पहले इसको तो या मैं समझा देता हूँ आपको, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखा है तो इसको ऐसा लिखा, इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, 1 प्लस 1 एफ ऑफ वन, फिर इसको भी ब्रेक कर दिया, तो 3 बार में कितना आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ 1 का क्यूब, और 4 बार में आ जाएगा एफ ऑफ 1 टू द पावर 4, तो ये आपके पास आएगा एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर है, एफ ऑफ 1 गिवन है 3 क्यू स्क्वायर
थ्री क्यूब, आखिरी वाला भी आप समझ लो आप, 3 to the power n इज इक्वल टू 120। तो इसमें आप जीपी के सम का फॉर्मूला लगेगा, है ना, एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगेगा। जीपी के सम का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, अगर आप फंक्शन डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये जीपी के सम का फॉर्मूला है। a क्या चीज़ है, a फर्स्ट टर्म होती है, r क्या चीज़ होती है, कॉमन रेशियो। तो आपने फर्स्ट टर्म तो सुनी है टेंथ में, पर कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट। एपी में होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, जीपी में होता है सेकेंड अपॉन फर्स्ट, इसमें थर्ड अपॉन सेकेंड। तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट क्या होगा, दिस अपॉन दिस थ्री, दिस अपॉन दिस थ्री, तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास थ्री। तो यहाँ पे आपका आएगा थ्री, थ्री टू द पावर एन माइनस वन, थ्री माइनस वन इज 120। इससे मिलता जुलता है इसलिए मैंने लिखा है, अपने सुख के लिए नहीं लिखा, समझ में आया। 3 4 12 इंटू और जीरो को डिवाइड किया तो जीरो आ गया, ये देखो 3 - 1 2 है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 to the power n - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 80, ये आ जाएगा 81। 81 को 3 to the power क्या लिख सकते हैं, 4, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो द करेक्ट आंसर इज n इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 4, ये आपका करेक्ट आंसर है, n इज इक्वल टू 4। बहुत बढ़िया सवाल है और बिल्कुल उसका ही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको भी करके देखेंगे। यू नीड नॉट टू वरी, आप चिंता बिल्कुल नहीं करें, साथ आप बने रहेंगे, साथ सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, प्रोसेस है। और कहीं कोई बात आती है तो नेवर माइंड, फील फ्री टू आस्क। कोई गलती हो जाती है लिखने में तो भी बात नहीं, आप नोटिस में ला दें कि सर ये गलती हो गई है, पर आप ये समझ सकते हो इस बात को कि मेरे सामने कोई बैठा नहीं होता है, आई एम अलोन। और मैं वीडियो जब बना रहा हूँ, जब ये आप वीडियो, और कोई गलती हो गई, मान लीजिए बीच में कोई मिस्टेक हो गई लिखने में, करने में, कहीं हाथ स्लिप हो गया, कहीं दिमाग में से कोई बात मिस हो गई, तो गड़बड़ हो जाती है, बट यू नेवर माइंड, आप समझदार हैं तो यू विल मैनेज ऑल दोज थिंग्स। अब इसको दोस्तों इस वाले सवाल पे आ जाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखो इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 to n। इसलिए मैं बुक वगैरह तो सब अपने साथ रख के रखता हूँ कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो अपन देख लेंगे, अदरवाइज पूरा के पूरा वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। पर ऐसी गलती नहीं होगी, आप चिंता नहीं करें, कहीं खुदा ना खास्ता ऐसी बात हो जाती तो आप माइंड नहीं करेंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, होशियार हो। देखिए इसमें एफ ऑफ ए को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि लिमिट किसके ऊपर लगी है, के के ऊपर लगी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसको बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, एफ ऑफ ए को बाहर निकाल लेंगे। अगर आप देखोगे ना तो ये वाला क्वेश्चन जेई में दो बार आया है, एक बार यहाँ पे, यहाँ पर 2 to the power n की जगह कोई वैल्यू लिख दी है, समेशन में कुछ लिमिट रख दी है। ये तो एनालिटिक क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, पर इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट इससे ईजी होता है। तो ये क्या हो गया आपका f of k इज इक्वल टू 16। और ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका f of a, k की जगह पहले क्या रखेंगे आप, 1 रखेंगे, फिर k की जगह 2 रखेंगे, फिर k की जगह क्या रखेंगे आप, 3 रखेंगे, रखते जाएंगे, कब तक रखते जाएंगे, जब तक कि n नहीं आएगा f of n। फिर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 16 2 to the power n - 1, ठीक है। तो अब आप f of 1 तो आपको मालूम है, f of 1 कितना है आपके पास, तो f of 1 2 है, और वो f of 2 की वैल्यू जैसे पिछले वाले में निकाली थी वैसे ही निकाल रख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। f of 1 की वैल्यू कितनी है, 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 square होगी, इसकी कितनी होगी, 2 cube होगी, अब 2 to the power n होगी। पिछला वीडियो, लास्ट टू दिस, तो जो इसके पहले वाला का क्वेश्चन था वो वाले में आपने देखा कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही मैं फिर से फंडा बोल देता हूँ, 2 की मतलब एफ ऑफ 1 + 1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, 2 इंटू 2, इस रूल से 1 + 1,
और एफ ऑफ क्या निकालना है आपको, 3 निकालना है, तो एफ ऑफ 3 को लिख दो एफ ऑफ 2 प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये आई है 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 2 क्यूब, तो ये सारी वैल्यूज यहां रख दी, कहां पे रख दी, ये वैल्यू रख दी। अब इसमें भी जीपी के सम का फॉर्मूला लगाना है, तो फिर से लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देंगे, एफ ऑफ ए 2 फर्स्ट टर्म, देख लें ध्यान से, 2 फर्स्ट टर्म में 2 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 16, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ ए 2 टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 16, 16 इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1, है ना, 2 टू द पावर एन माइनस 1 ये भी दिया हुआ आपको, तो ये इसके बराबर हो गया। अब आपके पास दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 16, 2 इंटू एफ ऑफ ए कितना हो गया 16, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई 28 जा, तो ये दोस्तों आपका आंसर है, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके, एफ ऑफ ए की वैल्यू 16 हो गई, एफ ऑफ ए, ओ सॉरी, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई 8, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे तो मैं भूल ही गया था, हमसे तो ए पूछा गया है, तो ए क्या होगा, तो एफ ऑफ ए कितना है 8 है, और अभी अपन ने इधर देखा, देखो ध्यान से देखो, एफ ऑफ 2 देखो क्या देखा था, एफ ऑफ 2 कितना होता था आपका 2 स्क्वायर होता था, एफ ऑफ 3 कितना होता था 2 क्यूब होता था, अभी निकाला ना मैंने यहाँ पे, तो एफ ऑफ 8 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा 2 टू द पावर ए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 टू द पावर ए इज इक्वल टू 8, 2 टू द पावर 3, तो ये आ गई आपके पास ए की वैल्यू आ गई है, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज 3, वैल्यू ऑफ ए इज 3, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी डिस्कस कर लिया आपसे। एक और अच्छा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी ये मेरे ख्याल से 11 नहीं था, ये 13 क्वेश्चन था क्या, ठीक है, तो जो भी व्हाटसो एवर इट इज 13 था, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 13 क्वेश्चन होगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑर्डर थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करता रहता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, तो मान लेते हैं कि ये 14 थे, या जो भी है व्हाट सो एवर इट इज, इफ इट इज 13 लेट इट बी 13 ओनली, मान लें कि 13 थी है। अब थोड़ा सा सरल क्वेश्चन, हल्का फुल्का क्वेश्चन ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू 2x-3 अपॉन 3x-2 है, देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शंस हैं आपके पास एफ ऑफ वाई पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है माइनस एफ ऑफ वाई, थर्ड ऑप्शन है आपका एफ ऑफ 1/y, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीस। तो x की वैल्यू निकालना है, बस समझ ले कि x की वैल्यू निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3xy-2y, 2x-3 इसको उधर ले लेंगे, इसको उधर ले लेंगे, ये हो जाएगा 3-2y 2x-3xy, हल्का फुल्का काम भी करते रहे। अब इसको नीचे भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी दोस्तों वैल्यू, 3-2y ये आ गई। अब ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके काट दें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3, तो ये किसके बराबर आ गया, देखो ना ये दोस्तों, ये किसके बराबर आ गया, ये एफ ऑफ वाई के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, ये एफ ऑफ वाई के बराबर आ गया, एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स किसके बराबर आ गया, ध्यान से देखो एफ ऑफ वाई के बराबर आ गया, मतलब क्या हुआ, वाई कौन है, वाई है एफ ऑफ एक्स, तो ये कैसा हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स,
मतलब ये फंक्शन खुद का इन्वर्स हो गया, खुद का क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। तो कल जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी। नंबरिंग में मैं फिर मिस कर सकता हूँ, मैं नंबर पहले से लिख देता हूँ 15, और हो सकता है कि वो एक नंबर मेरा इधर उधर हो गया हो तो आप उसको माइंड नहीं करेंगे, आई रिक्वेस्टेड यू। अब मेरी बात सुनो, कल मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस कल मींस लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो इसका पहला वाला पार्ट है पार्ट वन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बात की थी रिलेटेड, और आपको याद हो तो मैंने एब्सोल्यूट फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में भी बात की थी, एक और एक की थी मैंने बात आपके साथ में इनवर्स फंक्शन की, जिसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ बनता है। अब मैं दूसरी बात है आइडेंटिटी फंक्शन से भी रिलेटेड बात कर लेता हूँ आपको कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो कांस्टेंट तो आपको मालूम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के होता है और उसका ऐसा ग्राफ होता है y इक्वल टू के जैसा, तो ये y इक्वल टू के तो आपको जैसे स्ट्रेट लाइन में होती है ना y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस 4 पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये इसका ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है दोस्तों? f ऑफ x इज इक्वल टू k, कांस्टेंट फंक्शन का ऐसा ग्राफ होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन का, अगर k पॉजिटिव है तो, है ना, k पॉजिटिव है तो। और अगर मान लीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू k की जगह मान लीजिए p लिखा है और p नेगेटिव है तो वो किस साइड में रहेगा? ये इस साइड में रहेगा, p लेस देन जीरो है। क्लियर है मेरी बात आपको? तो ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। अब हमारे पास दोस्तों आइडेंटिटी फंक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी ये कांस्टेंट फंक्शन था। अब मैं आइडेंटिटी जब ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में बात हुई है तो मैं आपसे जिक्र करूँ उसका, ये जरूरी हो जाता है मेरे लिए। तो आइडेंटिटी फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट सुना होगा आपने, आइडेंटिटी एलिमेंट सुना है ना, जैसे a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन में a हो जाता है, a प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a। ये आइडेंटिटी होता है ना, आइडेंटिटी id फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये किसके लिए आइडेंटिटी हो जाता है, आइडेंटिटी फॉर एडिशन। ऐसे मैट्रिक्स में सुना होगा आपने a प्लस ओ ओ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a ओ प्लस a, है ना, तो ये एडिशन का आइडेंटिटी। और उसमें ए इंटू आई यूनिट मैट्रिक्स पर आप लोग इसको आइडेंटिटी आइडेंटिटी बोलते होगे, आइडेंटिटी दो होते हैं, ये भी आइडेंटिटी होता है और ये भी आइडेंटिटी होता है, इसका नाम असली नाम यूनिट है। और आइडेंटिटी के लिए जब बोलेंगे तो इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ओनली। तो जो ऐसी एग्जाम होती है इंटरव्यू बेस्ड उसमें इस टाइप की बातें बहुत पूछते हैं। चले अब हम अपने काम पे आ जाते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है दोस्तों? एक्स है, तो इसका ग्राफ बनाना होगा, तो ग्राफ बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, यहाँ एक्स ले लेते हैं या एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, इसको वाई भी बोलते हो आप, और अगर किसी ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो वाई इक्वल टू एक्स का उसको ग्राफ पता होगा, नहीं पता तो अपन कोई बात ही नहीं है, मैं हूँ आपके लिए। एक्स की जगह वन रखेंगे तो यहाँ वन आएगा, माइनस वन रखेंगे माइनस वन आएगा, तो जीरो ये आएगा, एक पॉइंट आएगा ये वाला वन वन ये वाला, और दूसरा पॉइंट आएगा ये वाला माइनस वन माइनस वन, इसको ज्वाइन कराते हुए लाइन बना दे, ये किसकी लाइन है? वाई इक्वल टू एक्स की है, इसी को कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और कैसा ग्राफ है, किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है दोस्तों आइडेंटिटी फंक्शन का, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है आपको मालूम है, और आई डोंट वॉन्ट यू टू बी डिविएटेड फ्रॉम द टॉपिक, और मैं खुद भी नहीं डिविएट होना चाहता, आपको भी नहीं। We are discussing function and this is function. And what kind of this function is? Identity function. F of x is equal to x. तो identity को लिखने का एक तरीका भी होता है, ऐसा भी लिख देते हैं I of x is equal to x. I of x is equal to x. ये identity का एक notation होता है कि identity का notation है। तो इस वाले में भी आप देखो कि F of क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स आया था, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया था, एक्स आ गया था, तो एक्स को लिख सकते हैं आई एक्स, तो एफ ऑफ यानी एफ इंटू एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई, तो इसका क्या मतलब होगा? कल हम इन्वर्टिबिलिटी यानी कल मतलब जब भी बोलता हूँ मतलब मेरा मतलब होता है नेक्स्ट वीडियो में हम रेंज डिस्कस करेंगे, इन्वर्टिबिलिटी डिस्कस करेंगे, और
एफ उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स आई, एफ इनवर्स आई, आई आइडेंटिटी है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स। तो ये ऐसा फंक्शन था जो खुद का ही क्या था, जो खुद का ही एक इनवर्स था, जो खुद का ही एक इनवर्स था। हाँ, इसमें एक बात है डोमेन की, तो डोमेन अभी बहुत ज़्यादा मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया इस वीडियो में, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जब हम ऑन टू वन वन सर्जेक्टिविटी बायजेक्टिविटी डिस्कस करेंगे, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शंस डिस्कस करेंगे, तब इसके बारे में निश्चित रूप से डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब आपका नॉलेज भी अल्ट्रासाउंड होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। और लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आए जो मैंने प्लान किया है वो समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय थ्री प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस पाई बाय थ्री, और आपको दिया हुआ है जी ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 1। जी ओ एफ एक्स की वैल्यू यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। कंपोजिट फंक्शन टाइप का ये है, कंपोजिट भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ये कंपोजिट ही एक टाइप का, पर कंपोजिट को हम डोमेन रेंज से जब कोरिलेट करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये मेरी आपसे बहुत पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सारे बच्चे पढ़ें, सारे बच्चे आगे बढ़ें देश के, जिनको ऐसी सुविधाएं नहीं भी मिल पाती हूँ वो भी आगे बढ़ें। आप कब बढ़ेंगे, जब आप इस चीज़ को आगे तक ले जाएंगे, तो आप अपनी ड्यूटी करते रहें, मेरी बेस्ट विशेष हैं। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिखा है, तो अब आपको एफ ऑफ एक्स तो पता ही नहीं है, एफ ऑफ एक्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं दोस्तों, एफ ऑफ एक्स को पहले ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसको ख़त्म करने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, 1 - cos 2x/2, फॉर्मूला लग गया साइन स्क्वायर थीटा का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अभी फॉर्मूले का वीडियो आप जरूर देखना, मिस नहीं करना, वीडियो देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में है सारे फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं, एकदम आपके दिमाग में तुरंत से आ जाएंगे। तो 1 - cos 2θ यहाँ भी लगा दें आप, ये हो जाएगा 1 - cos 2 x + π/3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर दूसरी चीज़ लगेगी, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, तो वो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 2 cos a cos b का, तो 2 cos a cos b का क्या होता है, 2 cos a cos b का होता है cos a + b + cos a - b, ये फॉर्मूला है 2 cos a cos b का, पर हमारे पास cos a cos b है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 2 को नीचे भेज दूंगा, तो ये फॉर्मूला फिर लग जाएगा, देख लें आप फॉर्मूला cos a + b + cos a - b/2। अगर आपको लास्ट का दिख नहीं रहा होगा तो मैंने बोल दिया है आपको, क्योंकि इसकी जो आपका ये क्या बोलते हैं इसका अपर्चर जो होता है इसका, तो इसकी लिमिट है, तो इसकी लिमिट है, तो अगर आपको नहीं दिखा हो तो a - b है, वो ध्यान से सुने, तो ये हो जाएगा आपका cos x + π/3 + cos x - x + π/3, ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे, 1/2 को कॉमन ले ले, ध्यान दे, ये 1 ये 1 ये 1 प्लस ये 1, टिक भी कर देता हूं मैं, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, -cos 2x नो चेंज, माइनस ये लिख दिया आपने इसमें 2x + 2π/3, और देखें ये अब मैं रब कर देता हूँ, आपने नोट ही कर लिए होंगे, तो ये भी आपका हो गया +cos 2x + π/3, दोनों को कैंसिल नहीं करना ना, देखो ये 2π/3 लिखा है और उसमें π/3 लिखा है, तो कोई गड़बड़ मत होने दीजिएगा प्लीज़, cos
एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस कितना हो गया ये पाई बाय थ्री, ब्रैकेट क्लोज, देखिए 1/2, ये 2 तो सबका बाहर निकाल लिया था, 1/2, 2 माइनस कॉस 2x। अब इसको खोलना पड़ेगा आपको, तो कॉस 2x, 2 पाई बाय 3 120 डिग्री होता है, तो कॉस 120 डिग्री प्लस माइनस आता है यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी में माइनस आता है, साइन 2x साइन 120 डिग्री, यहाँ पे आएगा आपके पास कॉस 2x कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 2x साइन 60 डिग्री। और कॉस माइनस थीटा आपको मालूम है ना, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस पाई बाय 3 हो जाएगा, कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2, वो भी रख देना आप, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जल्दी भी काम करना पड़ेगा, है ना। पर ये क्वेश्चन बहुत एनालिटिक क्वेश्चन है, ऐसी कोई जादुई और ट्रिक वाली दवाई इनमें काम नहीं करती है, ट्रिक वाला जमाना बहुत पुराना हो गया है, अब आपको नॉलेज होना, इतनी प्रेस्टीजियस एग्जाम है जिसमें वो सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं, और वो किसी भी इस तरीके की कोई आपको कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस 1/2, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस 1/2 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास कॉस 2x माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 आएगा, √3/2 साइन 2x, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अब आपके पास है यहाँ पर प्लस कॉस 2x और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, शुरू में लिख दिया, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस √3/2 और साइन 2x, और ये जो आखिरी में बचा हुआ कॉस 60 डिग्री इसका वैल्यू लिख दो अब आप यहाँ पे, क्या वैल्यू इसका 1/2। तो जो वैल्यू वैल्यू वाली बात है उनको एक साथ ले लो, एक तो ये वैल्यू है आपके पास और एक ये वैल्यू है ना। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं जल्दी करके स्किप करके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और वरना आप धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप इसको आगे देखते रहें, क्योंकि आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दोज हु आर बिगिनर उनको तो बहुत ध्यान से देखना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि जरा सी भी अगर उन्होंने कोई चीज़ स्लिप कर दी तो उनका कंसेप्ट कच्चा नहीं रह जाए, कंसेप्ट का ही खेल है दोस्तों, कंसेप्ट अगर सॉलिड है तो सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, कंसेप्ट आप बनाइए, मेरी बेस्ट विशेस है। ये आपके पास है √3/2 साइन 2x, √3/2 साइन 2x, और देखिए आप ये कितना हो गया आपके पास 1/2, ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/2 माइनस ये कॉस 2x, जब आप सेल्फ करोगे तब इतना टाइम नहीं लगेगा, हाफ कॉस 2x हाफ कॉस 2x तो ये हो जाएगा फुल कॉस 2x, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका कौन आ गया एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, ये आ गया आपका दोस्तों एफ ऑफ एक्स क्या है 5/4, बड़ा घुमा के लिखा हुआ था एफ ऑफ एक्स को, ये था वो था फिर एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स तो बहुत छोटी सी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है दोस्तों एफ ऑफ एक्स आपकी 5/4 है, ओ माई गॉड, तब फिर क्या बात है, इसीलिए इसका कुछ लिंक था, तो आप ऐसा मत सोचो कि ये लिंक था तो इसको आप इसको इसलिए डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, देखें अब आप ध्यान से देखो, अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट पाई बाय 4, कांस्टेंट फंक्शन है, कैसा फंक्शन है दोस्तों कांस्टेंट फंक्शन है, कैसा फंक्शन है आपका कांस्टेंट फंक्शन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देख लेते हैं आप, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास
आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, पाई बाय फाइव बाय फोर है। आप एक काम करो, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपका, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका जी ऑफ फाइव बाय फोर। क्या हो जाएगा, जी ऑफ फाइव बाय फोर क्यों हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इसी के बराबर, और जी ऑफ फाइव बाय फोर कितना है आपका, जी ऑफ फाइव बाय फोर कितना है, वन है। तो आपका आंसर है दोस्तों जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। वेरी नाइस क्वेश्चन, आपने देखा कितना शानदार सवाल था, इतना बड़ा सा रिलेशन लिखा हुआ है और इसका आउटकम कितना है, ओनली फाइव बाय फोर। ये ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन बन सकता था, वैसे तो ट्रिक लगाते तो आप एक्स की जगह अगर जीरो डाल देते तो डायरेक्ट भी आ जाता, पर आपको कैसे मालूम है कि ये कॉन्स्टेंट ही है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता था कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू फाइव बाय फोर हो सकता था, या पूछ सकते थे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, या ऐसा पूछ सकते थे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, या ऐसा पूछ सकते थे कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो मैं इसकी इस पूरे फंक्शन की ऐसा भी पूछ सकते थे, दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन दीज वेज, किस तरीके से, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 बाय फोर, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू 5 बाय फोर है, क्योंकि बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इसकी मैक्सिमम भी वही है और मिनिमम भी वैल्यू वही है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर, होपफुली इट वॉज क्वेश्चन नंबर 15। तो अब क्वेश्चन नंबर आपसे जो दोस्तों 16th में डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिस्कशन हमने किया हुआ है, पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला भी है आपके पास। अब इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला केस है, तो ये है आपका एफ ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू माइनस वन होगी क्या, एफ ऑफ पाई की वैल्यू वन होगी क्या, एफ ऑफ माइनस पाई की वैल्यू जीरो होगी, या एफ ऑफ पाई बाय फोर की वैल्यू वन होगी, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो आप वो वाला दिमाग में अगर कोई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहले तो उसको भूल जाओ, कॉस के अंदर माइनस खत्म होता है ये पहले भूल जाओ, पहले तो आप पहले पाई की वैल्यू पे आओ, व्हाट इज पाई, पाई यू 22/7 होता है, 3.14 समथिंग होता है। अब पाई का स्क्वायर करोगे तो 9 समथिंग होगा, लेस देन 10 होगा। तो जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे ना 9 समथिंग की, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 9 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका, आपका साइन 9x हो जाएगा। क्लियर? और ये यहाँ पे माइनस लगाए तो माइनस 9 समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है वो माइनस 10 होगा। क्या होगा दोस्तों उसका वैल्यू, पाई स्क्वायर की वैल्यू जो है ये होगी आपकी 9 समथिंग है, और अगर ये 10 से कम है तो इसकी माइनस होने के कारण इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस 10, और 9 समथिंग है वो प्लस होने के कारण उससे छोटा। आप अगर पिछला वीडियो देख लेंगे तो आपको और भी कंसेप्ट क्लियर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ, अब ये वैल्यू होगी माइनस 10x, अब जाके क्लियर हुई बात दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका साइन 9x, अब कॉस के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 10x। अब आपको ये वाली सारी वैल्यूज पे काम करना है, सारी वैल्यूज को चेक करना है। अब एक एक करके सारी वैल्यूज की चेकिंग चालू कर देते हैं। देखो तो सारी वैल्यूज पे अपन डिस्कशन कर लेते हैं। अब पहले क्या रख दें हम, सबसे पहले क्या रखेंगे इसमें, ये एफ ऑफ एक्स है, अब रखे बिना कुछ काम नहीं बन सकता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 9π/2, यहां पे कितना हो जाएगा आपका कॉस 10π/2, 10π/2 कितना होता है आपका, आपको मालूम है 5π होता है ना, 5π। अब इसमें से ध्यान से सुनो, ये जो सर्कल है ये 0 से चालू होता है 2π पे खत्म हो जाता है, तो 2π,
और वापस से एक राउंड मार दिया तो अपन ने 4π हो गया। तो 4π तक की तो चीज को एकदम उड़ा दो, तो ये 4.5π है, 4.5π है, तो इसको आप 4π को खत्म कर दो, क्योंकि 4π किसके, 2π 4π 6π 8π ये सब जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाय 2, 4.5π/2 था, तो 4π आपका गायब हो गया। इसमें से भी 4π को आप गायब कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा कॉस पाई, कॉस साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है और कॉस पाई की वैल्यू आपको मालूम है -1 होती है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। इज इट ट्रू? नो इट्स नॉट। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई गलती होगी तो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू माइंड, माइंड ना करें उन बातों को, अगर कोई कैलकुलेशन के फॉल्ट है तो। क्लियर है? अब आप देखें एफ ऑफ पाई, तो एफ ऑफ पाई रखें और एफ ऑफ पाई में देखें कि एफ ऑफ पाई 0 आ रहा है क्या आपके पास, तो साइन एफ ऑफ पाई क्या होगा, साइन 9π, और आपको मालूम है साइन एन पाई 0 होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपने देखी होगी, साइन एन पाई 0 होता है, साइन का ऐसा ग्राफ भी बन सकता है, यूं देख लें आप कई तरीके से, 0π 2π पीछे जाए -π ये वो, और कॉस के अंदर कितना है, कॉस के अंदर 10π है ना, कॉस के अंदर 10π, तो ध्यान से सुने, देखो ये 0 कॉस 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हो गया 2π, यहाँ पे 2π आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, 10π यहीं पे आएगा, तो कॉस 10π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 0+1, तो ये आंसर सही हो सकता है। पर परेशानी क्या है अपने को कि सारी वैल्यूज चेक करना है ना, तो सारी वैल्यूज चेक करना है तो अब इस पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, एफ ऑफ माइनस पाई पे आ जाओ, एफ ऑफ माइनस पाई पे आ गए, एफ ऑफ माइनस पाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन -9π, तो साइन एन पाई 0 है, एन इंटीजर है वहाँ पे, तो ये भी 0 हो गया, और ये हो जाएगा कॉस 10 × -π, तो ये हो जाएगा -10π, कॉस -10π, पर माइनस कॉस के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 आना चाहिए, पर इसकी वैल्यू 1 नहीं आई, तो इसको भी काट दीजिए, तो ये भी आंसर अपना क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अपने को लास्ट ऑप्शन चेक करना है दोस्तों, अब आपका है एफ ऑफ पाई बाय 4, एफ ऑफ पाई बाय 4 रख दें, तो ये हो जाएगा आपको क्योंकि इसमें मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये, और यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस 10π/4, तो इसको कैसे कर देंगे आप, तो इसको लिख दें आप साइन 2π + π/4, फिर बहुत सारी तरकीबें इनको करने की, उन तरकीबों पर अपन ट्रिग्नोमेट्री में चर्चा करते हैं, यहाँ पे अभी उन पर चर्चा नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा आपका 2π + 2π/4, ये देखिए आप, ये हो गया ना आपका 4 × 2 = 8 + 2 = 10, ये हो गया 4 × 2 = 8 + 9, 2π को 0 ही समझते हैं हम, तो साइन पाई बाय, ये 0 ही हो गया, तो साइन पाई बाय 4 कितनी होती है, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, आप इसको क्या समझते हैं, इसको भी 0 समझते हैं, और ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा cos π/2 0 होता है, तो क्या इसका आंसर 1 है क्या, नहीं, तो इसका आंसर जो था वो ये था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पर उसके बावजूद इसका कितने आंसर सही हैं, इसका एक ही आंसर सही है। अब ये होपफुली क्वेश्चन नंबर 17 था, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा सवाल है, इन सब क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, आप दोस्तों को भी बताएं कि क्वेश्चन शुरू से लेकर के आखिरी तक सारे क्वेश्चंस देखते रहें और तभी उनको कॉन्फिडेंस आएगा, और क्वेश्चन ही खाली नहीं सॉल्व करते हम, क्वेश्चन से रिलेटेड ढेर सारे डिस्कशन, ढेर सारा एक्सप्लेनेशन, ताकि उसका एक अच्छा बेस बनता रहे। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है 1 + b² x² 2bx + 1, m ऑफ बी जो दिया है ये मिनिमम वैल्यू है, किसकी मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, बी वेरीज, बी चेंज होगा और आपको रेंज पता लगाना है,
रेंज ऑफ एम बी। अब रेंज ऑफ एम बी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ये ऑप्शन है, एक तो क्लोज इंटरवल 0-1, एक है आपका ओपन इंटरवल 0-1, एक है आपके पास 0-1, नन ऑफ दिस। अब अपने को इसको समझना है। ये था दोस्तों, आप इसमें देख लें, नो सोल्यूशन इज देयर, ओनली क्वेश्चंस आर देयर। तो आप f ऑफ x ये लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करें, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम आता है तो आप डिफरेंशिएट करके बना सकते हैं, अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम नहीं आता है तो आप तब भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि हो सकता है आप इसमें क्लास 11 के स्टूडेंट हों, तो आप इसको क्या करें, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने से आपको मैक्सिमम मिनिमम की बात समझ में आएगी। तो ये एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो इसमें से आप पहले 1+b² कॉमन ले लें, तो 1+b² कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2b/1+b² एक्स प्लस 1/1+b². अब इसको क्या बनाना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये हो जाएगा आपके पास 1+b² एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x इंटू b/1+b² प्लस, अब आप इसका होल स्क्वायर ऐड कर दें, तो ये देखो आपका फॉर्मूला बन गया a² 2ab b² है ना, b मतलब कैपिटल b से मतलब इसका जो फॉर्मूला आपका है, फॉर्मूला p² + 2pq + q² और आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/1+b² पहले से था और आपने ये ऐड किया, तो ये नेचुरली सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, देखिए सब्ट्रैक्ट क्या किया हमने, b² / 1+b² हमने ऐड किया का होल स्क्वायर, तो b उसका होल स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, अब ये मेरे को रब करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 1+b² ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक x+b/1+b² होल स्क्वायर, फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम आएगा 1+b² होल स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा 1 × b² b² ओके। अब ये दोस्तों हमारे पास आ गया है, क्या आ गया है, बहुत सिंपल है, अरे बिल्कुल साथ में बने रहोगे, बहुत सारी चीजें सीख लेंगे, सीखना बिल्कुल आसान है, मन में लगन होना और आगे बढ़ने की ख्वाहिश होना, लगन और ख्वाहिश, ये दो चीजें इंसान को पता नहीं कहाँ ले जाती, बच्चों आप यकीन नहीं कर सकते हो। चलो अब ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं ये रेंज ऑफ MB पूछा था और MB इसकी मिनिमम वैल्यू थी, तो अब मैं मिनिमम वैल्यू के लिए आपको मैं बताता हूं, ये स्क्वायर है, कौन है स्क्वायर, ये स्क्वायर है और स्क्वायर इसकी वैल्यू मैक्सिमम, तो जितनी एक्स की बड़ी वैल्यू रखेंगे उतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, पर इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है मेरे दोस्तों, वो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी इसकी, ये जो एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन है, व्हाट एक्सप्रेशन इज दिस, एफ ऑफ एक्स जो एक्सप्रेशन है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो तो मैक्सिमम विल टेंड टू इन्फिनिटी, वो तो इन्फिनिटी तरफ जा रही है, हमको उससे मतलब नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम तो जब अचीव होगी ना, जब ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो जब ये 0 हो जाएगा तब इसकी मिनिमम वैल्यू अटेंड होगी, तो एफ ऑफ एक्स मैक्स होगा इन्फिनिटी पे, और मिन कब होगा, मिन जब होगा, मिन कब होगा, जब ये 0 होगा, और ये जब 0 हो जाएगा तो ये मिन होगा 1+b² और ये 0 हो जाएगा
तो ये बचेगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बचेगा, ये बच जाएगा। और ये भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, व्हेन डज दिस फंक्शन अटेन मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी। तो मिनिमम वैल्यू आएगी मेरे बच्चों जब ये जीरो हो, कब जीरो हो, जब ये x प्लस बी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर जीरो हो, मींस जीरो हो, है ना। एफ एक्स इज मिनिमम, ये मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये पूछा नहीं है आपसे। एफ एक्स इज मिनिमम इफ x इज इक्वल टू दिस, मींस x की वैल्यू एट x की वैल्यू जब ये होगी ना दोस्तों, तो ये मिनिमम होगा। पर ये नहीं पूछा हमसे, हमसे तो कुछ और ही पूछी बात कि भाई ये मिनिमम हो गया तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये हो गई, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जब ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके अंदर तो ये हो जाता है मेरे दोस्तों 1 अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। पर मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा, ये आ गया एम बी, दिस इज एम बी, लेकिन अब एम बी का रेंज पूछ रहा है। तो रेंज हालांकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, रेंज का हमने वादा किया है कि हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत आसान है इसलिए मैं इसको यहीं पे निपटा देता हूँ। तो ध्यान से सुने, इसकी रेंज निकालना है, मतलब इसका आउटपुट क्या होगा। तो बी स्क्वायर कितना होता है, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा, बी रियल नंबर है, ठीक है, ये पूरे प्रोसेस में बी इज अ रियल नंबर, इट इज अंडरस्टूड। तो बी स्क्वायर जीरो होगा, बी स्क्वायर प्लस वन, अगर दोनों साइड मैंने क्या ऐड कर दिया, वन ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा। और मैं लिख दूंगा आपको 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1, तो b स्क्वायर प्लस 1 जैसे लिख दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, ये इनइक्वालिटी का निशान घूम जाएगा। पर अब मजे की बात है कि ये 1 और 1 से छोटा, तो 1 और 1 से छोटा तो माइनस इन्फिनिटी भी होता है, पर कुछ भी हो ये हमेशा कैसा रहेगा मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा जीरो से कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ कौन है, ये पॉजिटिव है। और IIT JEE के क्वेश्चंस की यही स्पेशलिटी है, एक चीज़ में उनका मन नहीं भरता है, आप ऐसा लिख देते हैं आंसर कि माइनस इन्फिनिटी से 1, तो इट इज़ इनकरेक्ट, ऐसा गलत हो जाता ना, क्योंकि नेगेटिव तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है, क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बी स्क्वायर है ना, अगर बी होता तो बात अलग थी। तो दोस्तों फिर इसका आंसर कौन होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा ये वाला सी वाला आंसर होगा, सी को सजा दो, सी को टिक कर दो और अगले वीडियो का वेट करो, सारे वीडियोस देखो, सीक्वेंस में समझो, देश को आगे बढ़ाओ, खुद आगे बढ़ो, यही मेरी बेस्ट विशेष है और इसमें कोई खास बात नहीं है। आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जितने आपके दोस्तों कम से कम उनको आप व्हाट्सअप कर दें, फेसबुक पे भेज दें, कुछ भी कर दें, बाय ऑल मीन्स आप इतनी मेरे लिए कोशिश करें ताकि वो बच्चे आगे बढ़ जाएं और हमारा देश एक अच्छा देश बने और हम लीड लें, मैथमेटिक्स में लीड लें, जैसे ब्राज़ील में हैं आप देखेंगे, नीदरलैंड में हैं, जैसे आप इधर देखेंगे छोटे छोटे देश हैं, कंबोडिया वगैरह में भी है, इवन दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, दे यूज़ टू प्रैक्टिस अलॉट, जैपनीज हैं, चाइनीज़ हैं, हमारे देश के बच्चे भी आगे आएंगे, आप लोग भी आगे आएंगे, अच्छा मैथमेटिक्स करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मेरी बेस्ट विशेस है, ऑल द बेस्ट।